नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स त्योहारों को कुछ खास करता है, अपने अंदाज में खास तरीके से मनाता है। तो इस समय नवरात्रियां चल रही और आज है विजयदशमी, नवरात्र का आखिरी दिन है। तो बहुत सी जगह पे आपको हमने दिखाया क्या क्या कार्यक्रम हुए, पूरे लखनऊ में क्या क्या कार्यक्रम हुए, किस तरीके से विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो इस समय हम लोग हैं न्यू हैदराबाद रोड पे, जहाँ पे आप पीछे भीड़ पे देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। तो यहाँ पहले हम बता दें महिलाएं कौन सी है। ये एक पार्लर है जिसका नाम है रिवम ब्यूटी पार्लर है, जिसके लिए चलते यहाँ पे एक डांडिया कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पे ये जो आपको महिलाएं दिख रही हैं ये उस पार्लर में काम करती हैं और ये है उनकी ओनर। तो हम उनसे पूछेंगे कि जो आज विजयदशमी के दिन पे डांडिया का त्योहार रखा गया था, तो उस पर क्या कहेंगी। आपका स्वागत है मैम। मेरा नाम रजनी सिंह है, मैं ये ब्यूटी इंस्टीट्यूट चलाती हूँ। ये मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और मेरे यहाँ जो बच्चे काम करते हैं यानी मेरे सहपाठी हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, हम लोग 8 घंटे साथ ही रहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना डांडिया का प्रोग्राम किया जाए और बच्चों को बताया जाए कि कैसे हम बुराई पे विजय पा सकते हैं, और विजयदशमी तो त्यौहार ही इसी का है। तो हमने इसीलिए इनको 2-3 दिन प्रैक्टिस कराई और ये डांडिया आपके सामने प्रस्तुत किया। तो मैम एक सवाल बहुत देर से हमको परेशान कर रहा था, जैसे डांडिया के लोग खुद पार्लर में आए तैयार होने के लिए, लेकिन आपने खुद डांडिया की तैयारी करी। हाँ, हमने खुद डांडिया की तैयारी करी, हम कुछ अलग करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा हो कि वो ज़िंदगी में हमेशा सफल हों, हर फील्ड में सफल हों, बड़ों की गरीबों की मदद करें, बड़ों का सम्मान करें, ये सब भी हम पाठ पढ़ाते हैं इनको। तो इसलिए हमारे बच्चे हमें बड़ा साथ देते हैं और हर छोटे बड़े त्यौहार में हम लोग ऐसे खुशियाँ मनाते हैं। तो जिस तरीके से आप सुन रहे हैं कि पार्लरों में इस दिन जाते लोग तैयार होने और पार्लर वाले खूब अच्छे से अपनी आमदनी करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन ये जो पार्लर है यहाँ पे खुद लोगों ने डांडिया की तैयारी करी है। नहीं, हम आज के दिन और इससे एक दिन पहले बंद रखते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को जिनके साथ हम पूरा साल काम करते हैं, हम सिर्फ पैसे के लिए नहीं, त्यौहार उन्हीं के साथ मनाना चाहते हैं। यही हमारा परिवार होता है और ये बच्चों का परिवार भी मैं हूँ, तो मुझे लगता है कि हम साथ मिलकर जो आयोजन करते हैं उससे हमें बहुत खुशी मिलती है, बेहद खुशी मिलती है। तो रिवम पार्लर के जो परिवार हैं, जिस तरीके से मैम ने कहा, तो उनसे भी कुछ बात करेंगे कि कितने दिन से उनके साथ में लगी हुई है और कार्य कर रही है, तो कैसा लग रहा है। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम चांदनी है। तो कितने दिनों से हैं आप? मैं 1 महीना से हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेनू है, मैं 3 साल से मैम के साथ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम के साथ, मैम मेरी हम लोगों को जो कुछ बहुत कुछ नहीं आता था वो चीज़ें बताई मैम ने, और बहुत आगे बढ़ाया हम लोगों को, हर प्रोग्राम में हर फंक्शन में हम लोगों को सहयोग कर करके आगे बढ़ाया, बहुत कुछ सिखाया मैम ने। तो जिस तरीके से हमने देखा है, जैसे आपका जो पार्लर है जिसका नाम है रिवम ब्यूटी पार्लर, तो उसमें हर जो फेस्टिवल होता है उसमें वो आपके साथ मिल करके मनाती है, पार्लर का जो काम होता है उसको बंद कर देती है, लेकिन सेलिब्रेट आप लोगों के साथ हर प्रोग्राम हम लोगों के साथ सेलिब्रेट करती हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह हम लोगों के साथ बिल्कुल मिलजुल के सब प्रोग्राम करती हैं। नवरात्रियों की तैयारी कब से हो गई थी? 3 दिन से हम लोग नवरात्र की तैयारी कर रहे हैं, प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, डांस वगैरह। ड्रेस कॉम्बिनेशन है तो जी, मैम का सिलेक्शन। आपका नाम क्या है? अतिका सिंह। अच्छा, आप मैम के साथ कब से? 3 साल से। 3 साल जी। कैसा लगता है? मैम बहुत अच्छी हैं और इनके साथ तो समझ लीजिए फैमिली की तरह ट्रीट करती हैं, सबको एक एक अपना अपना बच्चा मानती हैं, और जो भी होगा प्रोग्राम होगा चाहे घर पे हो चाहे ये पार्लर में हो, दोनों जगह मैम इनवाइट जरूर करती हैं। अच्छा, जी। तो इस जो नवरात्रि है और आज विजयदशमी है, तो इस तरह इस यहाँ पे डांडिया का कार्यक्रम रखा गया, तो इस अवसर पे क्या कहना चाहिए, किस तरीके से मैम के लिए 2 शब्द कहना चाहिए? मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, और वो गरीब हो या अमीर हो सबको एक लेवल पर रखती हैं, और जो भी पैसे नहीं दे सकते हैं उनको फ्री शिक्षा देती हैं, और रिवम पार्लर इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप जो नहीं सीख सकते वो यहाँ आके आप सीख सकती हैं। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ। आप कितने सालों से मैम? मैम 3 साल से। 3 साल से। 3 साल में क्या 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 एक्सपीरियंस मैम से आपने सीखा? मैम से बहुत कुछ सीखा है, और मैम बहुत अच्छी हैं, और मैम के साथ रहने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा मैम ये। तो अन्य पार्लरों में जैसे आज के दिन होता है खुला रहता है, लोग आते हैं डांडिया के तैयार होने, लेकिन आप लोग खुद डांडिया नाइट में काम कर रहे हैं? डांस सीख रहे हैं। और आपका नाम क्या है मैम? दीपिका। आप कितने सालों से मैम? 3-4 साल। 4 साल। हाँ। यानी कि आप इन लोगों से सीनियर हैं। तो मैम के बारे में क्या कहना चाहिए? मैम बहुत अच्छी हैं,
उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं कहीं भी जाके जॉब भी कर सकती हूँ और उनके साथ भी रह सकती हूँ। यानी कि मैम कहीं भी आप नहीं जाएंगी लेकिन मैम का साथ नहीं छोड़ेंगी? हमेशा वो मेरा साथ रहेंगी। तो आज के दिन पे क्या कहना चाहिए? इस काबिल उन्होंने हमको बनाया है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ हैं फंक्शन के लिए। इतना सब कुछ किया है इन्होंने हम लोगों के लिए। अभी तक आपके स्टाफ में कितने लोग हैं? हम लोग 6 लोग हैं जी। ठीक है, तो आज हम लोग आए थे नवरात्रि यानी कि विजयदशमी के दिन पर लोगों से जानने के लिए किस तरीके से बुराई पे जो अच्छाई की जीत होती है, तो किस तरीके से लोग अच्छाई को अपने साथ में लेकर के चल सकते हैं। तो अच्छे काम करते रहिए, अच्छा फल आपको जरूर मिलेगा। जिसका जीता जाता उदाहरण है रिवम ब्यूटी पार्लर। तो जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा रिवम के लोगों ने मैम की कितनी तारीफ करी और मैम के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा करा कि हम जब से उनके साथ में लगे उन्होंने हमें आगे बढ़ना सिखाया और सच की राह पे चलना सिखाया। तो बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ में। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।